दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं काव काव लखनऊ और मैं हूं बरेली से संजीव गंभीर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है 1966 में रिलीज फिल्म मेरा साया का एक बहुत विख्यात गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। यानी बरेली शहर के बाजार में एक झुमका गिरा था जिसकी तलाश 1966 से लेकर लगातार जारी थी और झुमका है कि मिलता ही नहीं, बाजार का पता नहीं। अब कहीं जाकर बरेली में रामपुर रोड पर एक झुमका तिराहा बनाया गया है जहां पर करीब 60 लाख की कीमत से एक पीतल का झुमका मुरादाबाद पीतल नगरी से बनवा के टांगा गया है और जिसका उद्घाटन किया है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने। इस मौके पर मौजूद रहे हैं बरेली के कमिश्नर, तमाम नेता भी मौजूद रहे हैं, शहरवासी भी पहुंचे थे। और क्या बोले हैं संतोष गंगवार जी इस मौके पर, इस खबर में आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा पहलू अगर हम देखें और बात करें तो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में महज एक फिल्मी गाना भर है जिसको हकीकत में और सपनों की दुनिया को हकीकत में उतार भले ही दिया हो। बरेली में एक मेडिकल कॉलेज चलाने वाले और यूनिवर्सिटी चलाने वाले डॉक्टर केशव अग्रवाल और डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने, लेकिन वही एक बहस की चर्चा भी छिड़ गई है कि क्या बरेली की बर्फी का भी चौराहा बनेगा, क्या सुरमा का भी चौराहा बनेगा। यहां तक कि सोशल मीडिया पर चर्चा ये हो चुकी है आगरा से घाघरा, क्या आगरा में क्या घाघरे वाला चौराहा भी बनने वाला है। ऐसे उपहास भरी पोस्टें सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बनती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इतिहासकारों से बात करें तो पता लगता है कि बरेली में इतिहास में कभी झुमका गिरा ही नहीं था। कोई किताबों में प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर कहते हैं किसी इतिहास में कोई तथ्य ऐसा नहीं है जहां पर झुमका खोने का कोई जिक्र आया हो। अलबत्ता आंवला में पांडवों का किला है, पांडवों से जुड़े हुए तमाम ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहां पर तीर्थ स्थान है, तमाम अन्य भी ऐतिहासिक चीजें हैं जिनके बारे में हम चलेंगे इतिहासकारों से बात करने, शहर के नेताओं से बात करने, बुद्धिजीवियों से बात करने और आपके पास भी आएंगे मित्रों पूछने क्या ये झुमका वाले तिराहे से आप सहमत हैं, क्या फिल्मी दुनिया को जो हकीकत में उतारने का प्रयास किया गया है, क्या एक झूठे तथ्य पर आधारित एक नया इतिहास गढ़ने का प्रयास किया गया है आपको हजम हो रहा है या नहीं, पूछेंगे आपसे बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम आपको इस खबर के कुछ पहलू दिखाने जा रहे हैं, देखिए आप समझिए कि कैसे भव्य तरीके से ये कार्यक्रम हुआ है, इसका लाखों रुपया खर्च हुआ है, BDBC मौजूद रही हैं। लेकिन हैरत की बात तो यह है शहर के प्रथम नागरिक यानी महापौर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर उमेश गौतम कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए, जबकि हालांकि इनका अखबार बयान आया था समय मिला तो जाऊंगा, नहीं आए। बीडीए बोर्ड के तमाम सदस्यों ने दूरी बनाए रखी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नगर निगम में भी पार्षद थे, बीडीए बोर्ड के सदस्य भी थे। ऐसे तमाम लोग इस कार्यक्रम से दूर 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 रहे। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के उद्घाटन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो और बाद में जुड़ेंगे आपसे, आपके पास भी आएंगे। देखते रहिए काव काव लखनऊ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ घंटी जरूर बजाइए।
उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण श्रीमती दिव्या मित्तल जी से कि वो मंच पे आए, हम सभी का स्वागत। आज इस झुमके तिराहे की लोकार्पण के शुभ अवसर पर मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री संतोष गंगवार जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, बीडीए के अध्यक्ष माननीय मंडल आयुक्त श्री पीढ़ी के लिए मैं दो लाइनें बोलना चाहती हूँ कि नजर नवाज नज़ारा बदलने वाला है, नजर नवाज नज़ारा है और इस तरीके से ही रहेगा। सो फाइनली आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन और स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी डॉक्टर केशव अग्रवाल जी को जिन्होंने जी आज ऐतिहासिक शुरुआत आपने यहाँ पर की है, किस तरीके से देखते हैं इसे बरेली के लिए? न बरेली वासियों को और ख़ास तौर से प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद, एक अच्छा प्रयास किया है। और वास्तव में एक बरेली की पहचान बीते लंबे वर्षों से जिस बात को लेकर पूरे देश में चल रही थी उसको एक मूर्त रूप देने का काम किया है। इसके आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे लगता है ये ऐसी प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलती रहेगी और बरेली की पहचान और अच्छे स्तर से आगे बढ़ती रहेगी। दिल्ली चुनाव है मंत्री जी, उस पर कुछ कहना चाहते हैं? दिल्ली में मतदान हो गया है और मुझे लगता है कि मतदाताओं ने अच्छा निर्णय लिया होगा और दो दिन में इसका परिणाम सामने आएगा। हम कैसे बता देंगे।